आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और हम सदा की भांति श्री मां की आराधना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनका आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 676 676 द इटर्नल डे द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। अभी तक जो अंश हम पढ़ चुके हैं उसमें सबसे आरंभ में शाश्वत दिवस का वर्णन था। शाश्वत दिवस में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात वहां पर डार्कनेस या इग्नोरेंस के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां पर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात यहां पर डाउट या कंफ्यूजन के लिए कोई स्थान नहीं है। यह जो क्षेत्र है, यह सूर्य के पूर्ण तेज से प्रकाशमान है, दीप्तमान है। यहां की सभी रचनाएं शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वत तत्व से ही बनी हुई हैं। यहां पर मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां की सभी रचनाएं एक दिव्य आनंद को अभिव्यक्त कर रही हैं। इस शाश्वत दिवस के वर्णन के पश्चात हमने शाश्वत भूलोक का वर्णन पढ़ा था। शाश्वत भूलोक, जो 7 अमर पृथ्वियां हैं, द 7 इमॉर्टल अर्थ, उसमें सबसे निम्न स्तर पर है, परंतु यह भी एक स्वर्ग है। इस लोक में भी सभी कुछ दिव्य है, शाश्वत है और स्वर्गिक आनंद की अभिव्यक्ति है। यहां चारों ओर आत्म तत्व विद्यमान है। धरा पर जो भी कष्ट अनुभव होता है वह यहां पर तीव्र आनंद बन जाता है। यह लोक अद्भुत है और परिपूर्ण है और हमारे लोक की रचनाएं इस लोक की परिपूर्णता को चाहती हैं, अर्थात यह धरा इस लोक जैसा बन जाना चाहती है। इस शाश्वत भूलोक के वर्णन के पश्चात सावित्री और ऊपर की ओर यात्रा करती हैं। उसके पश्चात उच्चतर लोकों का वर्णन आता है। यह जो उच्चतर लोक हैं, जो शाश्वत भूलोक से भी ऊपर हैं, यह और अधिक श्रेष्ठ, आनंदमयी और प्रकाशित हैं। यह सभी लोग स्वर्ग हैं और यह अभीप्सा करते हुए अनंत की ओर उठ रहे हैं। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें इन्हीं लोगों का
जो शाश्वत भूलोक से ऊपर स्थित हैं वर्णन दिया गया है। हम लोग पृष्ठ नंबर 676 पर हैं और पंक्ति नंबर 14 पर, और जो संदर्भ हमारे समक्ष चल रहा है वो शाश्वत भूलोक के ऊपर के लोकों का वर्णन है। सावित्री अब ऊपर बढ़ते हुए एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई हैं जहां पर फाइनाइट और इन्फिनिट ये एक हो जाते हैं, और यहां से वह कुछ अन्य लोकों का, जिन्हें मध्य क्षेत्र कहते हैं, द मिडल रीजन्स, उनको देखती हैं। देन ऑन वॉट सीम्ड वन क्राउन ऑफ द असेंट वेयर फाइनाइट एंड द इन्फिनिट आर वन इम्यून शी बीहेल्ड द स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल सीड्स हु लिव फॉर ए सेलेस्टियल जॉय एंड रूल द मिडल रीजन्स ऑफ द अनफेडिंग रे। तो सावित्री ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, अब वो एक ऐसे शिखर पर पहुंच जाती हैं जो एक प्रकार से आरोहण का मुकुट प्रतीत होता है, क्राउन ऑफ द असेंट, और यहां पर फाइनाइट और इन्फिनिट ये एक हो जाते हैं। देन ऑन वॉट सीम्ड वन क्राउन ऑफ द असेंट वेयर फाइनाइट एंड द इन्फिनिट आर वन इम्यून शी बी हेल्ड, और यहां पर सावित्री पहुंचकर उसके प्रभाव से मुक्त हैं, अर्थात वह जो क्षेत्र है उसका प्रभाव सावित्री पर विचलित नहीं कर रहा है सावित्री को। इम्यून शी बी हेल्ड द स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल सीड्स, और वहां पर जो शक्तिशाली अमर देव हैं उनके सिंहासनों को सावित्री देखती है। इम्यून शी बी हेल्ड द स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल सीड्स हु लिव फॉर ए सेलेस्टियल जॉय एंड रूल द मिडल रीजन्स ऑफ द अनफेडिंग रे। तो सावित्री उन देवों को देखती हैं जो दिव्य आनंद लिए हुए वहां पर जी रहे हैं, और वह यह जो अक्षय किरण है अनफेडिंग रे, यह जो सत्य की किरण है, उसके ये मध्य क्षेत्र हैं जहां पर वे शासन करते हैं। देन ऑन वॉट सीम्ड वन क्राउन ऑफ द असेंट वेयर फाइनाइट एंड द इन्फिनिट आर वन इम्यून शी बी हेल्ड द स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल सीड हु लिव फॉर ए सेलेस्टियल जॉय एंड रूल द मिडल रीजन्स ऑफ द अनफेडिंग रे। और यह जो देव हैं एक सोपान पर विराजमान हैं, और वह सोपान भी शाश्वत तत्वों से बनी हुई है, अर्थात इस लोक में जो कुछ भी है वह शाश्वतता से बना हुआ है। ग्रेट फॉर्म्स ऑफ डीटीज सैट इन डेथलेस टीयर्स आईज ऑफ एन अनबॉर्न गेज टूवर्ड्स हर लीन थ्रू ए ट्रांसपेरेंसी ऑफ क्रिस्टल फायर। तो यहां पर वह जो देव हैं वो विभिन्न स्तरों में विराजमान हैं, अर्थात एक के ऊपर एक जो सोपान बने हुए हैं उसमें उनके सिंहासन है और वो वहां पर विराजमान है। और एक ऐसी दृष्टि, एन अनबॉर्न गेज, जो कि अजन्मा से आई है, वहां पर जो अग्नि है वो कैसी है, क्रिस्टल फायर, वो एक क्रिस्टल के समान है, एक मणिक के समान है और पारदर्शी है। उस अग्नि में से होते हुए वह दृष्टि
सावित्री को देखती है. ग्रेट फॉर्म्स ऑफ डीटीज सैट इन डेथलेस टीयर्स आईज ऑफ एन अनबॉर्न गेज टूवर्ड्स हर लीन्ड थ्रू ए ट्रांसपेरेंसी ऑफ क्रिस्टल फायर. अब इसके पश्चात यहां पर देवों का जो लोक है वहां पर उन परिचारिकाओं का वर्णन है जो देवों को सोमरस परोस रही हैं. इन द ब्यूटी ऑफ बॉडीज रॉट फ्रॉम रैप्चर्स लाइन्स शेप्स ऑफ इंट्रांसिंग स्वीटनेस स्पिलिंग ब्लिस फीट ग्लिमरिंग अपॉन द सनस्टोन कोर्ट्स ऑफ माइंड हेवन्स कप बेरर बोर राउंड द इटर्नल्स वाइन. तो ये जो वहां परिचारिकाएं हैं जो देवों को सोमरस परोस रही हैं उनका वर्णन है. वो कैसी हैं, उनकी देह कैसी है. इन द ब्यूटी ऑफ बॉडीज रॉट फ्रॉम रैप्चर्स लाइन्स. तो उनकी जो देह है वो भी जो अत्यंत आनंद है अतिरेक आनंद है उसकी रेखाओं से निर्मित है. अर्थात आनंद ने स्वयं उन देहों को निर्मित किया है. इन द ब्यूटी ऑफ बॉडीज रॉट फ्रॉम रैप्चर्स लाइन्स शेप्स ऑफ इंट्रांसिंग स्वीटनेस स्पिलिंग ब्लिस. और उनका रूप कैसा है, वो एक ऐसे माधुर्य से परिपूर्ण है जो मनमोहक है, मधुर है और मोहक है. शेप्स ऑफ इंट्रांसिंग स्वीटनेस स्पिलिंग ब्लिस. और वह जो उनकी आकृतियां हैं वो आनंद को उड़ेल रही हैं. फीट ग्लिमरिंग अपॉन द सनस्टोन कोर्ट्स ऑफ माइंड. और उनके पग मन के आंगन में चल रहे हैं, थिरक रहे हैं वहां और चमक रहे हैं. फीट ग्लिमरिंग अपॉन द सनस्टोन कोर्ट्स ऑफ माइंड. यहां पर ये जो सनस्टोन शब्द है उसका थोड़ा हम विस्तार ले लेते हैं. सनस्टोन एक प्रकार का रत्न है, मणि है, जो कि सूर्य के समान लाल रंग या नारंगी रंग या भगवा रंग या स्वर्णिम रंग उस प्रकार का रंग लिए हुए हैं. और हम जानते हैं कि एक मून स्टोन भी होता है जो कि रजत रंग या श्वेत रंग लिए हुए होता है. तो यहां पर जो आंगन है मन का आंगन वो सन स्टोन से बना हुआ है. अर्थात मन का जो धरातल है वहां पर सत्य प्रकट है, वो सत्य के धरातल पर बना हुआ है. हम जानते हैं कि इस जगत में जो मन है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस, वो अज्ञान का कारण है. परंतु यहां पर वह सत्य को लिए हुए है. तो इस प्रकार का जो अंतर है वहां के मन में और यहां के मन में. और इस मन के आंगन में उन सूर्य पत्थरों पर उन परिचारिकाओं के जो पग चमकते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हेवन्स कप बेयरर्स बोर राउंड द इटर्नल स्वाइन. और वह जो सुरलोक की साकियां हैं परिचारिकाएं हैं वो अमृत अथवा सोमरस पिला रही थी. तो ऐसा वहां पर दृश्य है. इन द ब्यूटी ऑफ बॉडीज रॉट फ्रॉम रैप्चर्स लाइन्स शेप्स ऑफ इंट्रांसिंग स्वीटनेस स्पिलिंग ब्लिस फीट ग्लिमरिंग
अपॉन द सनस्टोन कोर्ट्स ऑफ माइन हेवंस कप बेरर बोर राउंड द इटर्नल स्वाइन। इसके पश्चात वहां पर अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं का वर्णन है। यह जो अप्सराएं हैं स्वर्णिम है, अर्थात उनकी देह सोने की बनी हुई है, स्वर्णिम रंग लिए हुए है, दीप्तमान है और वह आनंद में नृत्य कर रही हैं। उसका वर्णन है अप्सराओं का। ए टेंगल ऑफ ब्राइट बॉडीज ऑफ मूव्ड सोल्स ट्रेसिंग द क्लोज एंड इंटरट्वाइन डिलाइट। ए टेंगल ऑफ ब्राइट बॉडीज, तो ये जो अप्सराएं हैं कैसी हैं, इनके जो देह हैं वो उज्जवल हैं, टेंगल अर्थात आपस में उलझे हुए हैं, तो वे एक दूसरे से आलिंगन में भी हैं। ए टेंगल ऑफ ब्राइट बॉडीज ऑफ मूव्ड सोल्स ट्रेसिंग द क्लोज एंड इंटरट्वाइन डिलाइट। और यह जो अप्सराएं हैं ये भाव विहोर हैं, ऑफ मूव्ड सोल्स, और ये अपने आनंद को परस्पर क्रीड़ा करते हुए और लिपटते हुए इंटरट्वाइंड, वो जो नृत्य की गतियां हैं उसमें प्रकट कर रही हैं, अर्थात वो वहां पर नृत्य कर रही हैं। ए टेंगल ऑफ ब्राइट बॉडीज ऑफ मूव्ड सोल्स ट्रेसिंग द क्लोज एंड इंटरट्वाइंड डिलाइट। द हार्मोनियस ट्रेड ऑफ लाइव्स फॉर एवर जॉइन इन द पैशनेट वननेस ऑफ अ मिस्टिक जॉय एज इफ सन बीम्स मेड लिविंग एंड डिवाइन। तो किस प्रकार से है कि वो आपस में एकात्म है, लाइव्स फॉर एवर जॉइंड, वो सदा के लिए युक्त हैं परस्पर। इन द पैशनेट वननेस ऑफ अ मिस्टिक जॉय, तो वो एक रहस्यमय आनंद लिए हुए हैं और उसमें उनका एकत्व है जो आवेशपूर्ण है, और इस प्रकार से वह जो गति कर रही हैं वहां पर हार्मोनियस ट्रेड, वो वहां पर एक संगीतमय गति से आगे बढ़ रही हैं। कैसे? जैसे कि सूर्य की किरणें वहां पर जीवंत हो गई हों और दिव्य बन गई हों, तो सूर्य के समान वो चमक रही हैं, जीवंत हैं, दिव्य हैं, परस्पर युक्त हैं और एक संगीतमय गति कर रही हैं। द हार्मोनियस ट्रेड ऑफ लाइव्स फॉर एवर जॉइंड इन द पैशनेट वननेस ऑफ अ मिस्टिक जॉय एज इफ सन बीम्स मेड लिविंग एंड डिवाइन। इन ग्रोव्स फ्लडेड फ्रॉम एन आर्जेंट डिस्क ऑफ ब्लेस दैट फ्लोटेड थ्रू अ लूमिनस सैफायर ड्रीम। और वो वहां का जो दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। इन ग्रोव्स, तो वहां पर जो उपवन है, इन ग्रोव्स फ्लडेड विद एन आर्जेंट डिस्क ऑफ ब्लिस, तो आर्जेंट का अर्थ होता है जो सिल्वर कलर लिए हुए है, तो आर्जेंट डिस्क ऑफ ब्लिस क्या है यहां पर, एक जो चंद्रमा है वो आनंद लिए हुए है और चमकता हुआ है। That floated through a luminous sapphire dream, और वो चंद्रमा तैर रहा है कैसे आकाश में, एक ऐसा आकाश जो नीलमणि के समान प्रकाशित है, luminous sapphire dream, और स्वप्निल है। ऐसे आकाश में वो चंद्रमा वहां पर गति कर रहा है, argent disk of bliss, और उस उपवन में वह नृत्य कर रही हैं। इन ग्रोव्स फ्लडेड फ्रॉम एन आर्जेंट डिस्क ऑफ ब्लेस
दैट फ्लोटेड थ्रू अ ल्यूमिनस सैफायर ड्रीम। उनके वस्त्र कैसे हैं? इन ए क्लाउड ऑफ रेमेंट लिट विद गोल्डन लिम्स। उनके जो अंग हैं वो स्वर्णिम हैं, और उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो मेघ के समान हैं, बादल के समान हैं और जगमगा रहे हैं। इन ए क्लाउड ऑफ रेमेंट लिट विद गोल्डन लिप्स एंड ग्लीमिंग फुटफॉल्स ट्रेडिंग फेयरी स्वॉर्ड्स। और उनके जो पद चिन्ह हैं वो चमकते हुए मैदानों पर, जहां पर घास है, दिव्य घास है, फेयरी स्वॉर्ड्स स्वर्गिक घास है, उन पर वो पग पड़ रहे हैं। इन ए क्लाउड ऑफ रेमेंट लिफ्ट विद गोल्डन लिम्स एंड ग्लीमिंग फुटफॉल्स ट्रेडिंग फेयरी स्वॉर्ड्स वर्जिन मोशंस ऑफ बैक एंड इनोसेंसेस हु नो देयर रायट फॉर ए डांस ऑफ गॉड। और उनका उनका जो गति है, भाव भंगिमाएं कैसी हैं? बैकेंट इनोसेंसेस, बैकेंट जो शब्द है वो बैकस से बना हुआ है, और बैकस ग्रीस में और रोम में इट इज ए गॉड ऑफ वाइन, जो कि आनंद प्रदान करता है। तो बैकंठ अर्थात जो कि उन्मत्त है, मदमस्त है, तो वो मस्त हैं। कैसे? जैसे कोई मदहोश हो। वर्जिन्स मोशन ऑफ बैकंठ इनोसेंसेस, परंतु वह उनका जो मदहोशी है वो निष्कपट है, और उनकी जो भंगिमाएं हैं वो नवीन है। वर्जिन मोशंस ऑफ बैकेंट इनोसेंसेस हु नो देयर रायट फॉर ए डांस ऑफ गॉड। और वो जानती हैं कि उनका ये जो भव्य प्रदर्शन है वो भगवान का एक नृत्य है। तो इस प्रकार की वो अप्सराएं हैं। द गोल्डन बूजम्ड अप्सरा गॉडेसेस वर्लिंग्ड इन मूनलिट रेवल्स ऑफ द हार्ट। और ये जो अप्सराएं हैं, जो स्वर्णिम वक्ष लिए हुए हैं, ये एक ऐसे आनंद के उत्सव में जो चंद्र प्रकाशित है, चंद्रमा के प्रकाश से दीप्तमान है, उसमें वे हाथ में हाथ लिए हुए घूम रही हैं। इन पंक्तियों को हम एक बार और देख लेते हैं। ए टेंगल ऑफ द ब्राइट बॉडीज ऑफ मूव्ड सोल्स ट्रेसिंग द क्लोज एंड इंटरट्वाइंड डिलाइट द हार्मोनियस ट्रेड ऑफ लाइफ्स फॉर एवर जॉइंड इन द पैशनेट वननेस ऑफ अ मिस्टिक जॉय एज इफ सनबीम्स मेड लिविंग एंड डिवाइन द गोल्डन बूजम अप्सरा गॉडेसेस इन ग्रोव्स फ्लडेड फ्रॉम एन आर्जेंट डिस्क ऑफ ब्लिस दैट फ्लोटेड थ्रू अ ल्यूमिनस सैफायर ड्रीम इन ए क्लाउड ऑफ रेमेंट लिट विद गोल्डन लिम्स एंड ग्लीमिंग फुटफॉल्स ट्रेडिंग फेयरी स्वॉर्ड्स वर्जिन मोशंस ऑफ बैकेंट इनोसेंसेस who know their riot for a dance of God, world linked in moonlit revels of the heart। तो ये अप्सराओं का वर्णन है वहां पर, वो किस प्रकार से स्वर्णिम देह लिए हुए आनंदपूर्ण उपवनों में जो चंद्रमा से प्रकाशित है नृत्य कर रही हैं। इसी प्रकार से जो गंधर्व हैं वो वहां के गायक हैं, और उनके जो गीत हैं या उनका जो संगीत है वो दिव्य संगीत होता है, और वो वैश्विक सत्य को प्रकट करता है। तो गंधर्वों का वर्णन है।
इम्पेकेबल आर्टिस्ट ऑफ अनअरिंग फॉर्म्स, मैजिशियंस बिल्डर्स ऑफ साउंड एंड रिदमिक वर्ड्स, विंड हेयर्ड गंधर्वस चांटेड टू द ईयर, द ओड्स दैट शेप द यूनिवर्सल थॉट, द लाइन्स दैट टियर द वेल फ्रॉम डीटीज फेस, द रिदम्स दैट ब्रिंग द साउंड्स ऑफ विजडम सी। तो ये गंधर्व किस प्रकार के हैं? इम्पेकेबल आर्टिस्ट ऑफ अनअरिंग फॉर्म्स। तो ये निर्दोष आकारों के ये अपने आप में परफेक्ट, परिपूर्ण, दोष रहित कलाकार है, इम्पेकेबल आर्टिस्ट, इम्पेकेबल आर्टिस्ट ऑफ अनअरिंग फॉर्म्स। तो ये जो कलाकार हैं दोष रहित हैं, और यह जो रचना करते हैं वो भी दोष रहित होती है। मैजिशियंस बिल्डर ऑफ साउंड एंड रिदमिक वर्ड्स, और ये जादुई निर्माता हैं जो कि स्वर से और छंद बदों से संगीत का निर्माण करते हैं। मैजिशियंस बिल्डर्स ऑफ साउंड एंड रिदमिक वर्ड्स, विंड हेयर्ड, इनके जो केश हैं वो हवा में, पवन में लहरा रहे हैं। चांटेड टू द ईयर द ओड्स दैट शेप द यूनिवर्सल थॉट, और ये सावित्री के कर्णों में ऐसे गीत गाते हैं जो कि वैश्विक विचार को रूपायित करते हैं, अर्थात वो उससे वैश्विक सत्य से जुड़े हुए हैं। द लाइन्स दैट टियर द वेल फ्रॉम डेटीज फेस, और वह जो पंक्तियां गा रहे हैं वो देवताओं के मुख पर जो आवरण होता है उसको हटा देते हैं, अर्थात उस सत्य को प्रकट कर देते हैं। द रिदम्स दैट ब्रिंग द साउंड्स ऑफ विजडम सी, और उनकी जो ताल है वो प्रज्ञा के सागर की जो ध्वनियां हैं उनको समीप ले आती है। तो इस प्रकार के वो गंधर्व हैं, इम्पेकेबल आर्टिस्ट ऑफ अनअरिंग फॉर्म्स, मैजिशियंस बिल्डर्स ऑफ साउंड एंड रिदमिक वर्ड्स, विंड हेयर्ड गंधर्वस चांटेड टू द ईयर, द ओड्स दैट शेप द यूनिवर्सल थॉट, द लाइन्स दैट टियर द वेल फ्रॉम देतीज फेस, द रिदम्स दैट ब्रिंग द साउंड्स ऑफ विजडम सी। और इसके पश्चात पितरों का वर्णन है, वो भी यहां पर निवास करते हैं। इमॉर्टल फिगर्स एंड इल्यूमिन ब्रोस, अवर ग्रेट फोर फादर्स इन दोस स्प्लेंडर्स मूव्ड। तो हमारे जो महान पितर हैं वो उस भव्य लोक में विचरण कर रहे हैं। इमॉर्टल फिगर्स, उनके जो रूप हैं वो अमर हैं, शाश्वत हैं। एंड इल्यूमिन ब्रोस, और उनके जो मस्तक हैं वो प्रकाशित हैं, अर्थात वो ज्ञान से पूर्ण है। इमॉर्टल फिगर्स एंड इल्यूमिन ब्रोस, अवर ग्रेट फोर फादर्स इन दोस स्प्लेंडर्स मूव। तो वहां पर वो उस लोक में विचरण कर रहे हैं। टर्मलेस इन पावर एंड सेटिस्फाइड ऑफ लाइट, उनकी जो शक्ति है वो अनंत है और वह प्रकाश से संतुष्ट हैं। दे एंजॉयड द सेंस ऑफ ऑल फॉर विच वी स्ट्राइव, और वह सब जिसके लिए हम धरा पर संघर्ष करते हैं वे उन सभी का वहां आनंद लेते हैं। इमॉर्टल फिगर्स एंड इल्यूमिन ब्रोस, अवर ग्रेट फोर फादर्स इन दोस स्प्लेंडर्स मूव्ड, टर्मलेस इन पावर एंड सेटिस्फाइड ऑफ लाइट, दे एंजॉयड द सेंस ऑफ ऑल फॉर विच वी स्ट्राइव। अब वहां पर और कौन है? वहां पर ऋषि हैं, कवि हैं, उनका वर्णन है। हाई सीयर्स मूव्ड पोएट्स
सॉ द इटर्नल थॉट्स। तो यहां पर दृष्टा हैं, ऋषि हैं और कवि हैं, इंस्पायर्ड कवि हैं, प्रेरित कवि हैं, वो शाश्वत विचारों को देखते हैं। हाई सीयर्स मूव्ड पोएट्स सॉ द इटर्नल थॉट्स दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑन हाई अराइव टू अस डिफॉर्म्ड बाय अवर सर्च ट्रिक बाय कॉस्ट्यूमिंग माइंड लाइक गॉड डिसफिगर्ड बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ। और ये जो विचार हैं हमारे पास कैसे आते हैं, ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑन हाई, ये उन्नत लोगों से यात्रियों के समान हमारे पास आते हैं। ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑन हाई अराइव टू अस डिफॉर्म्ड बाय अवर सर्च, और वो हमारी खोज के द्वारा, हमारी चाह के द्वारा विकृत हो जाते हैं। ट्रिक बाय कॉस्ट्यूमिंग माइंड, और जो हमारा मन है धोखे से उन्हें वस्त्र पहना देता है, उनका रूप बदल देता है। लाइक गॉड्स डिसफिगर्ड बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ, और वो ऐसे आते हैं जैसे जो देव हैं जब वो इस धरा पर आते हैं तो धरा की चेतना के कारण, जड़त्व के कारण वो विकृत हो जाते हैं। बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ, तो इस धरा पर जन्म लेने की जो पीड़ा है, जड़ तत्व में से होकर जो उन्हें गुजरना पड़ता है, उसके कारण वो डिसफिगर्ड हो जाते हैं। तो ये विचार उसी प्रकार से विकृत हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑन हाई अराइव टू अस डिफॉर्म बाय अवर सर्च ट्रिक बाय कॉस्ट्यूमिंग माइंड लाइक गॉड्स डिसफिगर्ड बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ। सीज द ग्रेट वर्ड्स, और ये जो दृष्टा हैं, ये जो कवि हैं, इन शब्दों को पकड़ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। विच नाउ आर फ्रेल साउंड्स कॉट बाय डिफिकल्ट रैप्चर ऑन ए मॉर्टल टंग, जो अभी हमारे जो मानवीय जिह्वा है वह उसे एक हल्की ध्वनि के रूप में, अर्थात उसको बहुत हल्के से पकड़ पाती है, और डिफिकल्ट रैप्चर, एक जो ऐसा हर्ष जो कठिन है, जो बहुत देर तक रह नहीं पाता है, उस प्रकार से उन विचारों को पकड़ती है। अर्थात हम उनको, विचारों को ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऋषि और कवि वहां पर स्थित हैं। हाई सीयर्स मूव्ड पोएट्स सॉ द इटर्नल थॉट्स दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑन हाई अराइव टू अस डिफॉर्म्ड बाय अवर सर्च ट्रिक बाय कॉस्ट्यूमिंग माइंड लाइक गॉड्स डिसफिगर्ड बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ। सीज द ग्रेट वर्ड्स विच नाउ आर फ्रेल साउंड्स कॉट बाय डिफिकल्ट रैप्चर ऑन ए मॉर्टल टंग। The strong who stumble and sin were calm, proud gods. तो ऐसे मनुष्य, ऐसी सत्ताएं जो बलवान हैं, परंतु जब वे इस धरा पर आती हैं तो ठोकर खाती हैं या पाप करते हैं। अतः जब ये देव धरा पर आते हैं तो ये विकृत हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, और यहां पर वह गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, परंतु वहां पर दे आर प्राउड गॉड्स, वो शांत और गर्वीले देव हैं। द स्ट्रॉन्ग हु स्टम्बल एंड सिन वर काम प्राउड गॉड्स। अब वर्णन है कि जो सावित्री वो कैसी हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देयर लाइटनिंग फिल्ड विद ग्लोरी एंड विद फ्लेम मेल्टिंग इन वेव्स ऑफ सिंपथी एंड साइट स्मिटन लाइक ए लायर दैट थ्रॉब्स टू अदर्स ब्लिस ड्रॉन बाय द कॉर्ड्स ऑफ एक्सटेसीज
अननोन हर ह्यूमन नेचर फेंट विद हेवंस डिलाइट। तो वहां पर सावित्री का रूप कैसा है? लाइटनिंग फील्ड विद ग्लोरी एंड विद फ्लेम। तो उनका जो रूप है वो जो विद्युती शक्ति है उससे परिपूर्ण है और भव्य है, तेज लिए हुए है, लाइक ए फ्लेम। देयर लाइटनिंग फिल्ड विद ग्लोरी एंड विद फ्लेम मेल्टिंग इन वेव्स ऑफ सिंपैथी एंड साइट। और कैसा है उनका रूप? जो कि सहानुभूति और दृष्टि की लहरों में विलीन होता हुआ है, उनसे एकात्मता स्थापित करते हुए है, तो उनमें सिंपैथी है। स्मिटन लाइक ए लायर दैट थ्रॉब्स टू अदर्स ब्लिस। और उनका रूप कैसा है, उनकी सत्ता कैसी है? एक वीणा समान है जो दूसरों के आनंद से स्पंदित होती है, अर्थात वो जगति से जुड़ी हुई है, एकात्म है और उसके आनंद को अनुभव करती है। ड्रॉन बाय द कॉर्ड्स ऑफ एक्सटेसीज अननोन। और वे एक अज्ञात अतिरेक आनंद के धागों द्वारा खींची जा रही हैं। हर ह्यूमन नेचर फेंट विद हेवंस डिलाइट। और वह जो उस लोक का जो स्वर्गिक आनंद है उससे उनकी जो मानवीय प्रकृति है वो अभिभूत है। देयर लाइटनिंग फिल्ड विद ग्लोरी एंड विद फ्लेम मेल्टिंग इन वेव्स ऑफ सिंपैथी एंड साइट स्मिटन लाइक ए लायर दैट थ्रॉब्स टू अदर्स ब्लिस ड्रॉन बाय द कॉर्ड्स ऑफ एक्सटेसीज अननोन हर ह्यूमन नेचर फेंट विद हेवंस डिलाइट। तो यह उनका रूप है। और वो किस प्रकार से वहां पर उनके उनमें परिवर्तन आता है? शी beheld द क्लैश टू अर्थ denied एंड बोर द imperishable आईज ऑफ veilless love। तो वहां पर वो एक ऐसे आलिंगन को, एक प्रेम को अनुभव करती हैं जो धरा के लिए निषेध है। शी beheld द क्लैश टू अर्थ denied, अर्थात जो प्रेम इस धरा पर उपस्थित नहीं है वैसा प्रेम, वैसे आलिंगन वो वहां पर अनुभव करती है। एंड बोर द इम्पेरिशेबल आईज ऑफ वेललेस लव। और वो एक ऐसा जो प्रेम है जो आवरणहीन है, अर्थात पूर्णतः पवित्र जो प्रेम है उसको धारण करती है। शी beheld द क्लैश टू अर्थ denied and bore the imperishable eyes of veilless love। और सावित्री और ऊपर आरोहण करती हैं। More climbed above, level to level reached, beyond what tongue can utter or mind dream। और सावित्री और ऊपर आरोहण करती हैं, परंतु अब ऐसे स्तर हैं जो अकथनीय है। बियॉन्ड वॉट टंग कैन अटर और माइंड ड्रीम, और जो मन के स्वप्न से भी परे हैं। तो इन लोगों का जो विवरण है वो एक अलग ढंग से दिया गया है। जैसा हमने पहले देखा कि हमें अप्सराओं का, गंधर्वों का, पितरों का, सबका वर्णन था, अब यहां पर जो वर्णन है वो क्वालिटीज का ही है, ये क्योंकि ये कल्पनातीत है। More climbed above, level to level reached, beyond what tongue can utter or mind dream, words of an infinite reach, crown nature's star। और यह जो लोक है ये अनंत विस्तार लिए हुए थे और ये प्रकृति के मुकुट के समान है। और अब उसका वर्णन आ रहा है। There was a greater tranquil sweetness there, a subtler and profounder ether's field and mightier scheme
देन हेवनलीएस्ट सेंस कैन गिव। तो वहां पर क्या है, एक महतर शांति है, महतर माधुर्य है, कंपैरेटिव वो बता रहे हैं, और वहां का जो आकाश है वो और अधिक सूक्ष्मतर है, और वहां का जो योजनाएं हैं, वहां का जो रचनाएं हैं, वो जो सर्वोच्च स्वर्गीय बोध है उसके सामर्थ्य से भी परे हैं। इस प्रकार का वो लोग कहें, देयर वॉज ए ग्रेटर ट्रैंक्विल स्वीटनेस देयर, ए सटलर एंड प्रोफाउंडर ईथर्स फील एंड माइटियर स्कीम देन हेवनलीएस्ट सेंस कैन गिव। वहां पर जो सत्ताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, देयर ब्रेथ कैरीड अ स्ट्रीम ऑफ सीइंग माइंड। तो श्वास में मन जो कि दृष्टा है, जो सत्य को देख रहा है, वो प्रवाहित होता है। देयर ब्रेथ कैरीड अ स्ट्रीम ऑफ सीइंग माइंड, फॉर्म वॉज ए टेनुअस रेमेंट ऑफ द सोल। और जो देह है, जो रूप है, वो आत्मा का एक महीन वस्त्र के समान है, अर्थात उसमें से आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कलर वॉज अ विजिबल टोन ऑफ एक्सटेसी। और जो रंग है वहां पर, जो उस आत्मा ने, जो देह ने, और उसने जो रंग लिया हुआ है, वो भी आनंद का एक प्रकार का भाव है जिसको वो प्रकट कर रहा है। देयर ब्रेथ कैरीड अ स्ट्रीम ऑफ सीइंग माइंड, फॉर्म वॉज ए टेनुअस रेमेंट ऑफ द सोल, कलर वॉज अ विजिबल टोन ऑफ एक्सटेसी। और वो जो रूप है कैसा है, शेप सीन हाफ इमेटीरियल बाय द गेज एंड येट वॉलप्चुअसली पेल्पबल, मेड सेंसिबल टू टच द इनड्वेलिंग स्पिरिट। तो वो जो आकृतियां हैं वो दृष्टि के लिए इमेटीरियल हैं। ऐसा होता है कि जैसे किसी तत्व से नहीं बनी हुई है, अर्ध भौतिक है। शेप सीन हाफ इमेटीरियल बाय गेज एंड येट वॉलप्चुअसली पेल्पेबल। और वो अर्ध भौतिक होते हुए भी आकर्षक हैं और बोधगम्य है, अर्थात उनको स्पर्श किया जा सकता, पेल्पेबल अर्थात उनको छुआ जा सकता है। मेड सेंसिबल टू टच द इनड्वेलिंग स्पिरिट। और वह जो अंतस्थित आत्मा है उसको भी अप्रोचेबल बना देते हैं, बोधगम्य, अर्थात उस देह से जो अंतस्थित आत्मा है उसको भी स्पर्श किया जा सकता है, ऐसी देह है। शेप्स सीन हाफ इमेटीरियल बाय द गेज एंड येट वॉलप्चुअसली पेल्पबल, मेड सेंसिबल टू टच द इनड्वेलिंग स्पिरिट। अर्थात वो जो आत्मा अंतर में स्थित है उसको भी स्पर्श कर अनुभव किया जा सकता है। वहां पर इंद्रियां कैसी हैं और भावनाएं कैसी हैं, वो सभी दिव्य हैं। द हाई परफेक्टेड सेंस इल्यूमिंड लिव्ड अ हैप्पी वेसल ऑफ द इनर रे, ईच फीलिंग वॉज द इटर्नल्स माइटी चाइल्ड एंड एवरी थॉट वॉज अ स्वीट बर्निंग गॉड। वेसल शब्द का अर्थ है कि सबॉर्डिनेट। तो वहां पर जो बोध है, द हाई परफेक्टेड सेंस इल्यूमिंड, तो वो उन्नत भी है, परिपूर्ण भी है और प्रकाशित भी है। और वह जो अंतरस्थित किरण है उसका अनुचर भी है, अर्थात जो बोध है, जो अंतरस्थित प्रकाश है उसको प्रकट कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। द हाई परफेक्टेड सेंस इल्यूमिंड लिव्ड ए हैप्पी वेसल ऑफ द इनर रे, और ऐसे करने में वह आनंदित है। ईच फीलिंग
वॉज द इटर्नल्स माइटी चाइल्ड। वहां प्रत्येक भावना शाश्वत की एक शक्तिशाली संतान है, अर्थात वो शाश्वतता से उत्पन्न हुई है। एंड एवरी थॉट वॉज अ स्वीट बर्निंग गॉड, और प्रत्येक विचार एक मधुर और ज्वलंत देव है। वहां पर वायु कैसी है? एयर वॉज अ लूमिनस फीलिंग साउंड अ वॉइस, सनलाइट द सोल्स विजन एंड मूनलाइट इट्स ड्रीम। वहां पर जो वायु है वो प्रकाशमान है। एयर वॉज अ लूमिनस फीलिंग साउंड अ वॉइस, और जो ध्वनि है वहां पर वो आत्मा की वाणी है, वो आत्मा को या सत्य को प्रकट कर रही है। सनलाइट द सोल्स विजन, और जो सूर्य का प्रकाश है वहां पर वो आत्मा की दृष्टि के समान है। मूनलाइट इट्स ड्रीम, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो आत्मा का स्वप्न है। अर्थात वहां जो सूर्य का प्रकाश है वो आत्मा की दृष्टि को प्रकट करता है, और जो चंद्रमा का प्रकाश है वो आत्मा के स्वप्न को प्रकट करता है। ऐसा वहां पर वातावरण है। एयर वॉज अ लुमिनस फीलिंग साउंड अ वॉइस, सनलाइट द सोल्स विजन एंड मूनलाइट इट्स ड्रीम। और वहां पर सभी कुछ एक स्पष्ट आनंद है, और वो एक व्यापक शांति के आधार पर स्थित है। ऑन ए वाइड लिविंग बेस ऑफ वर्डलेस काम, ऑल वॉज ए पोटेंट एंड ए लूसिड जॉय। तो वहां पर एक ऐसा आधार है जो शब्दहीन है, वर्डलेस काम, व्यापक है और जीवंत है। ऑन ए वाइड लिविंग बेस ऑफ वर्डलेस काम, तो ऐसे शब्दहीन और व्यापक शांति में उस पर आधारित क्या है? ऑल वॉज ए पोटेंट एंड ए लूसिड जॉय, वहां सभी कुछ एक शक्तिशाली स्पष्ट और प्रकाशित आनंद है। अब यहां से सावित्री और ऊपर उठती हैं, और यह जो सावित्री की उड़ान है एक पक्षी के समान है। एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, उसकी उड़ान का यहां पर वर्णन है, जो कि बहुत ऊंचे और बहुत मधुर स्वर गाते हुए ऊपर उठता है। ये लार्क नाम का पक्षी है। उसका नाम यहां नहीं दिया गया है, परंतु उससे वो मिलता जुलता है। तो वो सावित्री की जो आत्मा है वो उड़ान भर रही है, कैसे? एक पक्षी के समान। इनटू दोज हाइट्स हर स्पिरिट वेंट फ्लोटिंग अप लाइक एन अपसोरिंग बर्ड हु माउंट्स अनसीन। तो उन उच्चताओं में सावित्री की जो आत्मा है और ऊपर उठती जाती है, और कैसे उठ रही है? एक पक्षी के समान जो ऊपर उठता जा रहा है परंतु अदृश्य है। अर्थात सावित्री की आत्मा अब जब ऊपर उठ रही है तो वह दिखाई नहीं दे रही है। इनटू दोज हाइट्स हर स्पिरिट वेंट फ्लोटिंग अप लाइक एन अपसोरिंग बर्ड हु माउंट्स अनसीन। और यह जब पक्षी ऊपर उठता है तो क्या करता है? वॉइसिंग टू द असेंट हिज थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ मेलेडी टिल ए पॉज ऑफ क्लोजिंग विंग्स कम्स क्विवरिंग इन हिज लास्ट कंटेंटेड क्राई। तो यह जो पक्षी है यह ऊपर उठता जाता है, और इसके जो हृदय की धड़कन है उसका जो संगीत है वो उस ऊंचाई को सुनाता जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर उठ रहा है जो वहां पर वातावरण है, जो क्षेत्र है, उसको अपना हृदय प्रकट करता जा रहा है, अपना गीत सुनाता जा रहा है। तो ऐसे ही सोचें कि सावित्री की जो आत्मा ऊपर उठ रही है
और उसके हृदय में जो आनंद है वो प्रकट कर रही है. वॉइसिंग टू द असेंट हिज थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ मेलेडी, तो वो एक मधुर गान सुना रहा है. टिल ए पॉज ऑफ क्लोजिंग विंग्स कम्स क्विवरिंग इन हिज लास्ट कंटेंटेड क्राई. और ये कब तक गाता है पक्षी, जब तक कि वो उसकी एक अंतिम संतुष्ट पुकार, मतलब वो संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो गाता है, तब तक ऊपर उठता है और फिर अंत में वो अपने पंखों को बंद कर लेता है और वो उड़ान वहां पर उसकी ठहर जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है. टिल ए पॉज ऑफ क्लोजिंग विंग्स कम्स क्विवरिंग इन हिज लास्ट कंटेंटेड क्राई एंड ही साइलेंट विद हिज सोल डिस्चार्ज डिलीवर्ड ऑफ हिज हार्ट्स बर्डन ऑफ डिलाइट. और तब वह जो पक्षी है अपना जो हृदय है उसका जो आनंद का जो भोज है उसको उड़ेल देता है, उससे उड़ीन हो जाता है. एंड ही इज साइलेंट विद हिज सोल डिस्चार्ज, और उसकी जो आत्मा है वो निशब्द हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है और उसने उसके हृदय में जो कुछ भी आनंद था वो सब उसने उड़ेल दिया है. तो एक प्रकार से बिल्कुल आत्मा नीरव हो गई है, निशब्द हो गई है और ऐसी स्थिति वो प्राप्त कर लेता है. तो इसी प्रकार से सावित्री ऊपर उठ रही हैं. इनटू दोज हाइट्स हर स्पिरिट वेंट फ्लोटिंग अप लाइक एन अपसोरिंग बर्ड हु माउंट्स अनसीन वॉइसिंग टू द असेंट हिज थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ मेलेडी टिल ए पॉज ऑफ क्लोजिंग विंग्स कम्स क्विवरिंग इन हिज लास्ट कंटेंटेड क्राई एंड ही इज साइलेंट विद हिज सोल डिस्चार्ज डिलीवर्ड ऑफ हिज हार्ट्स बर्डन ऑफ डिलाइट. इस उड़ान के पश्चात सावित्री क्या देखती है? Experience mounted on joy's colored breast to inaccessible spheres in spiral flight. अब यहां पर जो है अनुभव ऊपर उठता है. Experience mounted on joy's colored breast, तो आनंद के वक्ष पर सवार होकर अनुभव जो है वो ऊपर उठता है. एक्सपीरियंस माउंटेड ऑन जॉयस कलर्ड ब्रेस्ट टू इनअसेसिबल स्फीयर्स इन स्पाइरल फ्लाइट, और ऐसे क्षेत्रों में जो दुर्गम है वहां पर एक सर्पिल उड़ान लेते हुए, एक स्पाइरल के समान उड़ान लेते हुए वो ऊपर उठता है. और वो क्या देखता है वहां पर? वो ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जहां पर पूर्ण एकत्व है. देयर टाइम ड्वेल्ड विद इटर्निटी एज वन, तो वहां पर काल और शाश्वतता दोनों एकात्म हैं और एक साथ निवास करते हैं. देयर टाइम ड्वेल्ड विद इटर्निटी एज वन इमेंस फिलिसिटी ज्वाइंड रैप्ड रिपोज, और वहां पर अनंत आनंद है जो प्रशांति से एकात्म है. अर्थात प्रशांति है और उसके साथ साथ आनंद भी है, काल है उसके साथ साथ शाश्वतता भी है और यह दोनों एक ही है. देयर टाइम ड्वेल्ड विद इटर्निटी एज वन इमेंस फिलिसिटी ज्वाइन रैप्ड रिपोज. तो यहां पर जो है इस सर्ग का जो पहला सेक्शन है वो समाप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र का वर्णन दिया गया है और इसके पश्चात इसका जो नया सेक्शन आरंभ होगा वो हम अगली बार लेंगे. और यहां पर श्री मां का ध्यान करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देंगे.
नमस्कार, धन्यवाद।